हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज के रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराकर उनके WWE के करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आज के रेसलमेनिया में क्या क्या हुआ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आज के रेसलमेनिया के किक ऑफ शो से शुरू करते हैं, जिसमें लिव मॉर्गन ने नेटालिया का पिन करवा के उन्हें हरा दिया। इसके बाद दोस्तों, NXT वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ चैलेंजर शार्लेट फ्लेयर और चैंपियन रिया रिप्ले के बीच में, और इस मैच के आखिर में शार्लेट फ्लेयर ने फिगर 8 लॉक से रिया रिप्ले को सबमिट करवा दिया और वो बन गई हैं न्यू NXT वुमेन्स चैंपियन। और एलिस्टर ब्लैक ने बॉबी लैशली को ब्लैक मास देकर उन्हें पिनफॉल से हरा दिया और रेसलमेनिया में एलिस्टर ब्लैक जीत गए बॉबी लैशली से। दोस्तों, इसके बाद ओटिस और डॉल्फ ज़िगलर का मैच हुआ, जिसमें डॉल्फ का साथ सोनिया डेविल दे रही थी, लेकिन मैच के आखिर में ओटिस का भी साथ देने मैंडी रोज आ गई और उन्होंने आकर सोनिया डेविल पे अटैक कर दिया। और रेसलमेनिया 36 में ओटिस ने डॉल्फ ज़िगलर को हराने के साथ साथ मैंडी रोज का साथ भी पा लिया है। दोस्तों, इसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार एज का मैच हुआ द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ, जो कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। इस मैच में ऑर्टन ने कैमरामैन का भेष लिया हुआ था और मैच शुरू होने से पहले ही उन्होंने पीछे से आकर एज को आरकीओ दे दिया। और दोस्तों, क्योंकि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, इसलिए इन दोनों ने रिंग के नीचे जाकर और जिम में जाकर और उसके बाद बैक स्टेज में इस मैच को कंटिन्यू किया। और मैच के आखिर में जैसे रैंडी ऑर्टन ने मंडे नाइट रॉ में एज पर दो चेयर से अटैक किया था, ठीक उसी तरह एज ने दो चेयर से अटैक करके ऑर्टन को इस मैच में हरा दिया। और इस मैच के बाद एज इमोशनल भी हो गए थे। और दोस्तों, 24/7 चैंपियन मोजो रॉली का पिन करवा के रेसलमेनिया 36 के होस्ट रॉब ग्रोवंस की 24/7 चैंपियन बन गए। दोस्तों, रेसलमेनिया 36 में स्ट्रीट प्रॉफिट ने उनका रॉ टैग टीम चैंपियनशिप बचा लिया है ऑस्टिन थ्योरी और एंजल गार्जा की टीम को हराकर। लेकिन मैच के बाद ऑस्टिन, एंजल और ज़ेलिना वेगा ने मिलकर स्ट्रीट प्रॉफिट पर अटैक कर दिया था, पर उनकी मदद करने बियांका ब्लेयर आ गई और उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट का साथ देते हुए उनके तीनों ओपोनेंट्स को मार भगाया। दोस्तों, इसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ, जो कि एक फैटल 5-वे एलिमिनेशन मैच था। इस मैच की शुरुआत में बाकी की चार ने मिलकर तमीना को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद साशा बैंक्स ने नियोमी को एलिमिनेट किया और फिर साशा बैंक्स को लेसी वांस ने एलिमिनेट किया। पर दोस्तों, मैच के आखिर में साशा बैंक्स ने बेली की मदद की, जिसकी वजह से बेली ने लेसी वांस को एलिमिनेट करके उनका स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद मैच हुआ जॉन सीना और द फिंड ब्रेवाइट का, और सच कहूं तो ये मैच कम और एक भूतिया फिल्म की शूटिंग ज्यादा लग रही थी, पर इस मैच को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जॉन सीना और ब्रेवाइट ने मिलकर, और इन दोनों ने बहुत ही पुराने पुराने रेसलिंग के कैरेक्टर्स को प्ले भी किए। और इस मैच के आखिर में द फिंड ने आकर जॉन सीना को मैंडिबल क्लॉ देकर मैच को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद मेन इवेंट हुआ ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप के लिए, और मैच की शुरुआत में ब्रॉक लेसनर ने ड्रू मैकइंटायर को 3F5 दे दिए, लेकिन ड्रू मैकइंटायर किक आउट करते रहे और मैच के आखिर में 3 क्लेमोर किक मारकर ड्रू मैकइंटायर बन गए न्यू WWE चैंपियन। तो दोस्तों, क्या आप ड्रू मैकइंटायर के WWE चैंपियन बनने से खुश हो या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।